कारगिल विजय दिवस के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन की ओर से निकाली गई वीर नारी सम्मान सद्भावना बाइक रैली मंडी के ऐतिहासिक फेरी मंच पहुंची, जहां पर हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन पूर्व सैनिकों 2SP एनसीसी बटालियन सहित एनसीसी कैडेट्स ने उनका भव्य स्वागत किया। कारगिल विजय दिवस के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन की ओर से निकाली गई वीर नारी सम्मान सद्भावना बाइक रैली मंडी के ऐतिहास फेरी मंच पहुंची, जहां पर हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन पूर्व सैनिकों 2HP एनसीसी बटालियन सहित एनसीसी कैडेट्स ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे मेजर ऋत्विक सहित उनकी टीम ने 13 जैक राइफल के कारगिल युद्ध में शहादत पाने वाले रणवांकुरों के परिजनों से मिलकर उन वीर नारियों हवलदार किशन चंद की पत्नी धनी देवी व जोगिंदर नगर सिपाही पूर्ण चंद की पत्नी बिमला देवी सहित डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन को सम्मानित किया। हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बाइक रैली में आए सैनिकों को तिरंगे बैजेस लगाकर व तिरंगे झंडे देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के जवानों को 15 अगस्त 2019 को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ट्राई कलर राखी जो एसोसिएशन की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है वे भी भेंट की गई। एसोसिएशन की अध्यक्षा आशा ठाकुर ने बताया कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स की द्रास जा रही बाइक रैली के जवानों की बहादुरी हिम्मत व मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मेजर ऋत्विक ने बताया कि कारगिल युद्ध को हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, इसी उपलक्ष्य में 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स ने कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ पर बाइक रैली अभियान शुरू किया है। ये बाइक रैली भारत के आखिरी गांव मानापास से 6 जुलाई 2019 को शुरू की गई है, जो कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2019 को द्रास युद्ध स्मारक पर संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य शहीदों को याद करना, विजय उत्सव मनाना और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य की चुनौतियों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध करना है। ये बाइक रैली रास्ते में देहरादून IMA में GCS और चंडीगढ़ DAV कॉलेज में NCC कैडेट से मिला और उन्हें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र मरणोपरांत व सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र की वीरता का प्रदर्शन चलचित्रों के माध्यम से दिया गया। सूबेदार श्याम सिंह ने बताया कि इस अभियान में कारगिल को समर्पित रैली में मेजर ऋत्विक और उनके टीम सदस्य हवलदार सोहन सिंह, महेश शर्मा, प्रदीप विजय, सतपाल नायक, प्रदीप अजय, बलविंदर मनजीत, रविंदर चौधरी, हतीश, गोविंद पठानिया, राजेश गगन, चंद्रेश राघव, लोकेश, शिवम मनवीर, राइडर कोच समीर खान शामिल हैं। ये रैली दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए मनाली, रोहतांग, दर्रा, लेह, खरदुंगला के रास्ते से होते हुए द्रास पहुंचेंगे। 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के सभी जवानों की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके बलिदान को याद किया जाएगा। ये बाइक रैली कारगिल दिवस के 20 साल खत्म होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, चूँकि इंडियन आर्मी ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी आर्मी पर फतेह हासिल की। तो इस साल चूँकि कारगिल विजय दिवस के 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, हमारी पलटन 13 जैक राइफल्स ने एक मोटरसाइकिल रैली मानापास से स्टार्ट की है और कारगिल द्रास वॉर मेमोरियल पे ख़त्म करेगी। यह टोटल राइड लगभग 1900 किलोमीटर की है और इसमें रास्ते में हम जितने भी वीर नारीज और वॉर वेटरन से मिल सकते थे मिलते हुए आए हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में हम जेंटलमैन कैडेट से मिले, उनको मोटिवेट किया। चंडीगढ़ में हम वीर नारी से मिले। ऊना, हमीरपुर, पालमपुर में हम वीर नारी से मिले। पालमपुर में हम कैप्टन विक्रम बत्रा PVC पोस्टमस के माता पिता से मिले और फिर फाइनली आज मंडी पहुँचे हैं यहाँ पर वीर नारी से मिलने के लिए। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप मनाली होगा, फिर लेह और फिर कारगिल। इस यात्रा के माध्यम से सिर्फ इतना संदेश है कि हमारा देश हमारे शहीदों को ना भूले। आज 20 साल हो गए हैं कारगिल विजय दिवस को, लेकिन अगर देश हमारे शहीदों को याद रखेगा तो उनकी शहादत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। और एक टास्क है इस रैली का कि हम रास्ते में जितने भी अपने वीर नारी और वॉर वेटरन से मिल सकें उनसे मिलें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें
और उनको सोल्यूशन दे, क्योंकि उनके प्रियजनों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा की। समारोह में कर्नल बीके तपबाल, कर्नल हितेश वैद्य, सुबेदार खेम सिंह सहित अन्य पूर्व सैनिक व वीर नारियां उपस्थित रही।